हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। आज का हमारा क्वेश्चन है चेक फॉर बीएससी। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए देखना क्योंकि इसमें 3 से 4 मेथड हैं बीएससी को चेक करने के लिए। ठीक है, और इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरव्यूज। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिसकी एक से ज्यादा मल्टीपल अप्रोचेज हो, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फाइंड कर सके कैसी कैसी है। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हमें क्या एक बीएसटी दिया गया होगा, जैसे कोई भी बीएसटी ले लेते हैं, जैसे 40 हो गया। ठीक है, 40 के लेफ्ट पे कुछ भी लिख दिया, 20 लिख दिया, 40 के राइट पे 50 लिख दिया, 20 के लेफ्ट पे 10 लिख दिया, 20 के राइट में 25 लिख दिया, 50 के राइट में मैंने 50 के राइट में मैंने 60 लिख दिया। ठीक है, अब यह है कि मेरे को ये बताना है कि ये बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, अब क्या है कि इसके क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, बीएसटी की जो पहली प्रॉपर्टी, बीएसटी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये जो नोड है इसका, इसके लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब क्या है कि नोड के लेफ्ट सबट्री में सारे एलिमेंट, अगर इसकी वैल्यू 10 है तो लेफ्ट सबट्री में वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 10 एंड राइट सबट्री में वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 10। गलती हम इस क्वेश्चन में ये करते हैं कि हम लेफ्ट सबट्री की जगह सिर्फ लेफ्ट चेक, लेफ्ट एंड राइट चेक कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले गलत आंसर बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि मतलब जब मैंने ये सबसे पहले क्वेश्चन किया था, मैंने ये गलती की थी। मैंने क्या किया था, हर नोड पे ये चेक कर लिया था कि लेफ्ट वाला, जैसे इसकी वैल्यू 10 है तो मैंने सिर्फ चेक किया था कि लेफ्ट नोड इसका लेस देन 10 है एंड राइट नोड ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो बीएसटी है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये चीज फेल कहां होगी। ठीक है, अब क्या कि ये क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, गलत अप्रोच से 40 है, 40 के लेफ्ट पे 20 है, राइट पे 50 है, लेफ्ट पे छोटा राइट पे बड़ा, टिक सही है। ठीक है, फिर हम लेफ्ट पे देख रहे हैं, 20 है लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा, इस पे भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 25 है लेफ्ट पे छोटा राइट पे बड़ा, इस पे भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। 45 लेफ्ट पे छोटा राइट पे कुछ नहीं है, मतलब ये भी ठीक है। 50 है लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में उससे बड़ा है। ठीक है, 60 लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब यह है कि ये प्रॉपर्टी लेफ्ट पे छोटा होना चाहिए राइट पे बड़ा हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यार भाई ये बीएसटी है, बट ये बीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लेफ्ट एलिमेंट नहीं चाहिए होता, हमें लेफ्ट सबट्री में भी नोड से बड़ा एलिमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं भी। अब ये 40 है, कायदे से बात ये है कि 40 के जो लेफ्ट भी है सारे 40 से छोटे होने चाहिए, बट ये महाशय 40 से बड़े निकल गए। ठीक है, तो ये बीएसटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले गंदा वाला मेथड बताऊंगा ऑफ एन स्क्वायर से। ठीक है, मैंने भी ट्राई नहीं किया बट अप्रोच बताता हूँ उसकी क्या है। ठीक है, ये मेथड वैसे करना भी मत, इससे इजी मेथड डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाएगा, बट ऑफ एन से, एन स्क्वायर से शुरू करते हुए ऑफ एन तक जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि पहला मेथड है, मेरे को यही एश्योर करना था ना कि नोड के लेफ्ट राइट, ठीक है ये नोड है, मेरे को यही एश्योर करना था ना कि लेफ्ट सबट्री के सारे एलिमेंट ऑल शुड बी लेस देन, अगर इसकी वैल्यू 10 है ऑल शुड बी लेस देन 10, इसमें सारे एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो लेफ्ट सबट्री का कोई सीक्वेंस होगा, जैसे अगर लेफ्ट सबट्री का इन ऑर्डर करें, ठीक है, नोड लेफ्ट नोड राइट, ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा इन ऑर्डर में करते हुए, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा अगर वो नोड की वैल्यू से छोटा हुआ, ठीक है, ये था लेफ्ट सबट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, अगर इसका जो राइट मोस्ट है, ग्रेटेस्ट है लेफ्ट सबट्री में, वो अगर 10 से छोटा है, तब मतलब सारे ही छोटे हैं 10 से, इस पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एंड राइट में, राइट का जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन हुआ नोड की वैल्यू से, तो सारे राइट से बड़े, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और ऐसा अगर हर पॉइंट पे हो तो हम कहेंगे वो बीएसटी है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, हमने नोड लिया 40, ठीक है, हम क्या करेंगे उसके लेफ्ट सबट्री में लार्जेस्ट एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम इसके राइट में, ये नोड है, नोड के लेफ्ट में राइट मोस्ट, ठीक है, ये चीज करेंगे। ठीक है, नोड के एक लेफ्ट,
उसके बाद राइट मोस्ट, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री की रूट है, लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट होगा राइट मोस्ट, ठीक है। अगर वो नहीं पता तो मेरी मैक्सिमम एंड मिनिमम की वीडियो है, तो आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया है, राइट मोस्ट 45, पहले ही पड़ाव में फेल, ठीक है। तो ये बीएसटी उससे ही पता चल जाता नहीं है, ठीक है। लेफ्ट के राइट मोस्ट चेक करेंगे, और क्या है कि इसमें क्या है कि कोई नोड है उसके राइट के लेफ्ट मोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, नोड के राइट के लेफ्ट मोस्ट पे, ठीक है। ये मिलेगा मेरे को ग्रेटर, ये मिलेगा मेरे को स्मॉलर, ठीक है। तो हर नोड के लिए मेरे को ये सब करना पड़ेगा लंबा काम, ठीक है। तो काफी गलत मेथड है, ठीक है। अब मैं इसकी वैसे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मान लो एक स्क्यू ट्री है, स्क्यू ट्री होता 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को 50 के लिए क्या चाहिए था, लेफ्ट पे स्मॉलेस्ट, लेफ्ट पे लार्जेस्ट एंड राइट पे स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब ये कि इसके लेफ्ट पे लार्जेस्ट 40 है, राइट पे, ठीक है, 40 है राइट पे, तो इसमें क्या है कि मेरे को सिर्फ एक लेफ्ट पे जाना पड़ा, राइट पे कुछ नहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, क्योंकि स्क्यू ट्री है तो इसके राइट पे भी नहीं कुछ होगा, तो ये सारे ऑपरेशंस पे नोड पे मेरे ऑफ वन लगेगा, मतलब कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। राइट पे इसका कुछ नहीं है तो राइट वाली साइड से कंपेयर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी सी, 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 ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है, तो ये बेस्ट केस होगा, इसमें सी एन टाइम लगेगा, मतलब क्या है कि इसमें ऑफ एन लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि कोई रैंडम ट्री है तो हम क्या करेंगे, जैसे 50 था, 40 था, 80 था, 30 था, 20 था, सॉरी 45 था, 90 था, हम क्या कर रहे हैं जी, हर एलिमेंट में राइट में जाके और लेफ्ट मोस्ट जा रहे हैं, और लेफ्ट पे जाके राइट मोस्ट जा रहे हैं, मतलब क्या है कि ये ऑपरेशन ले सकता है एन, मैक्सिमम टाइम ये ऑपरेशन ले सकता है एन, ठीक है। और क्या कि हम हर नोड के लिए ये सब कर रहे हैं तो एन इंटू एन, तो ये एन स्क्वायर का टाइम लेगा, ठीक है। ये एन स्क्वायर है, इस केस में ऑफ एन है, मोस्टली केसेस में वर्स्ट टाइम इस केसेस में होता है, बट इसमें बेस्ट टाइम इस केस में आ रहा है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में इसका ऑफ एन स्क्वायर टाइम आएगा, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि ये तो गलत मेथड, ये तो एक सही हो गया मेथड बता दिया, अब दूसरा सही मेथड सुनो, ठीक है। BSTR में रब कर देता हूँ, दोबारा बनाना पड़ता है 60, 30, 45, 65, 63, ठीक है। अब ये BST है यार, इतने वीडियोस हमने कर लिए, हमने क्या है कि सबसे इजी चीज क्या सीखी है कि BST की प्रॉपर्टी होती है कि उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके सॉर्टेड डाटा मिलता है, ठीक है। तो हम इन ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे, तो इसका अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूं 30, 40, 45, 50, 60, 63, 65, अगर इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब क्या है कि 45 है, तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 45 होना चाहिए, ना ही इक्वल टू, ना ही लेस देन, ठीक है। अगर ये ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सीक्वेंस सारा इन ऑर्डर का, ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ ये बीएसटी है। अब इसमें भी थोड़ा इजी कर लेते हैं, मैं कहता हूँ इन ऑर्डर निकालो ही ना पूरा, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस एलिमेंट स्टोर करो, ठीक है। अगर मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या है कि सिर्फ पिछला एलिमेंट चाहिए। अगर 50, 45 से बड़ा है तो पिछले सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करूंगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा और सिर्फ प्रीवियस एलिमेंट स्टोर करूंगा, ठीक है, और क्या कि करंट एलिमेंट को प्रीवियस से कंपेयर करूंगा, ठीक है। मैंने 50 को कंपेयर किया 45 से, ठीक है, 50 ग्रेटर देन 45 है, ठीक है। तो मैं आगे गया, अब मेरे पास प्रीवियस बन जाएगा 50 और मैं नेक्स्ट चला गया इन ऑर्डर में, ठीक है। एट एनी पॉइंट अगर ये चीज फेल हुई, ठीक है, अगर इधर होता 47
इस पॉइंट पे फेल हो रहे हैं तो मेरे को आगे जाना ही नहीं है, मैं सिंपली वहीं से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ये बीएसटी नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड बताऊंगा, बताता हूँ। थर्ड मेथड इन ऑर्डर वाले से थोड़ा सा गंदा है, बट ठीक है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें मेरे को क्या करना है कि मेरे को देखने कि हर नोड पे बीएसटी के क्या क्या वैल्यू हम रख सकते थे और क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। अगर वो चीज मैच करती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इसको गलत बीएसटी बनाता हूँ इधर, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे। इधर मैंने बना दिया 55, ये बीएसटी नहीं है अब, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं बीएसटी क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को ये बीएसटी क्रिएट करना है, ठीक है, तो 50 पे परमिसिबल वैल्यू क्या है, क्या क्या वैल्यू हो सकती थी, कुछ भी रख सकता था मैं शुरू में, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या है कि जब मैंने 50 रख दिया, इस पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, मैंने 50 नोड रख दिया, इस पे ये चीज़ आ सकती थी, मैंने 50 रख दिया। अब मैं इसके लेफ्ट पे जाता हूँ, अब मेरे पास नोड 50 बन चुका है, लेफ्ट पे क्या क्या वैल्यूज अब आ सकती हैं, माइनस इन्फिनिटी से 49, ठीक है, और राइट पे क्या आ सकती है, 51 से इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब ऐसे सर्कुलर होती है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, और इस पे 51 का मतलब है ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। अब लेफ्ट पे एलिमेंट क्या क्या आ सकती थी, माइनस इन्फिनिटी से 49, हमारे पास क्या है, 40 है, ये ठीक है, परमिसिबल है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके लेफ्ट पे जाता हूँ, ये स्किप मत करना, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में काम आएंगी, ठीक है, 40 है। अब क्या है कि 40 इधर आ गया, तो इसके लेफ्ट पे परमिसिबल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 39, और राइट पे क्या है, 41 से लेके 49 तक, ठीक है। अब यह कि इसके लेफ्ट पे आ जाओ, 30 परमिसिबल है इस रेंज में, ठीक है, तो ये भी ठीक है, इस पॉइंट पे ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि इसका लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, तो कुछ फायदा नहीं है चेक करने का, ठीक है। अब इधर आओ, 41 से 49, 45 है, ठीक है, परमिसिबल है ये भी, ठीक है। अब क्या है कि इसके लेफ्ट में मेरे पास एलिमेंट होने चाहिए थे इन द रेंज ऑफ 41 to 44, और राइट पे होने चाहिए थे मेरे पास 46 to 49। अब लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे जाते हैं, राइट पे मेरा आया 55, होना चाहिए था 46 और 49 के बीच में अगर बीएसटी है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से मैं कह सकता हूँ कि ये बीएसटी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आपको कोई पॉइंट ना मिले तो बीएसटी है, अगर ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो वो बीएसटी है। अब आप कहोगे यार इतना लंबा क्यों कराया, इसमें ट्री बिल्ड करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ ट्री बिल्ड नहीं करना, मेरे को क्या चाहिए, ये लेफ्ट एंड राइट, मेरे को सिर्फ 2 वेरिएबल्स चाहिए स्टोर करने के लिए, ठीक है। शुरू में मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स रख लूंगा इंट मिन एंड इंट मैक्स, ठीक है, तो ये मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इंट मिन इंट मैक्स से कर लिया। उसके बाद मैंने किया कंपेयर विद रूट, ठीक है, ये इनिशियलाइज था। अब मैं इसको लेफ्ट वेरिएबल मानता हूँ, इसको राइट, ठीक है। अब कंपेयर विद रूट है तो सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, ये स्यूडो कोड ही लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ रूट आइदर लेस देन एल, मतलब इस रेंज से बाहर है, और द वैल्यू ऑफ रूट इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अगर क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, रेंज के बाहर है, मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे वो चीज़ नहीं बन रही, देन वी सिंपली रिटर्न फॉल्स, ये बीएसटी नहीं है। अब उस नोड पे अगर सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, रेंज में है, तो मेरे को लेफ्ट एंड राइट में देखना है कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में हर एलिमेंट्स रेंज में है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है ये रेंज में है, तो मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस जैसे फंक्शन है, ठीक है, तो मैं इधर वही फंक्शन को कॉल करूँगा विद द लेफ्ट रूट। एंड अब क्या है कि जो लेफ्ट में पार्ट है उसका देखो, लेफ्ट सेम रह रहा है, इसका राइट सेम रह रहा है, तो ये क्या था, रूट की वैल्यू -1 और ये रूट की वैल्यू +1, ठीक है, तो ये बन जाएगा लेफ्ट द वैल्यू ऑफ रूट -1, ये रूट लेफ्ट
राइट ठीक है, अब मैं राइट चेक कर रहा हूँ ठीक है, द वैल्यू ऑफ सॉरी एक्सक्यूज मी ठीक है एंड राइट ठीक है। और क्या कि एक और चीज, अगर किसी टाइम ये हो गया कि जैसे ये 43 से 42 है, रेंज ऐसे आ गई ठीक है, अब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि रेंज है ही नहीं कोई। रेंज ऐसे होती है ना, लेफ्ट एंड राइट, अगर लेफ्ट ही आगे चला गया राइट से, मतलब क्या है कि रेंज एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है, तो उस केस में भी मेरे को रिटर्न फॉल्स कर देना है। इधर एक और कंडीशन आ जाएगी, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट रिटर्न फॉल्स ठीक है। तो ये था मेरे को कि बीएसटी कैसे चेक करते हैं, एक गलत मेथड बताया, तीन सही मेथड बताए, काफ़ी इसके चांसेस है कि अगर इंटरव्यू में पूछ ले तो आप फोड़ दोगे इंटरव्यू को ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से करना है, इसके बाद और बीएसटी पे क्वेश्चंस हम करेंगे ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।